लेकिन मैं बीमार होगी गाइस। तो हम पढ़ रहे थे ड्रग्स यूज इन अस्थमा एंड सीओपीडी, जो हमारा फार्मा का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। रेस्पिरेटरी सिस्टम से एक क्वेश्चन लाजमी आता होता है और ये एक ही चैप्टर में से ही वो आता है, और ये बहुत ही आसान सवाल होता है अगर आपको एक चैप्टर याद किया हुआ हो आपने, तो इसलिए बहुत अच्छे से इसको कर लेना हमने। अच्छा, मैंने आपको बता दी थी ड्रग्स यूज इन अस्थमा में बीटा ब्लॉकर्स, और जो हमारा सेकेंड ग्रुप था मिथाइल ज़ैंथिन या थियोफाइलिन वगैरह की जो बात हम कर रहे थे, और उसमें आपकी जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो तो मैंने बता दी आपको उससे पिछले सारी जो वीडियो थी उसमें। उसके सारी एडवर्स इफेक्ट्स दे देना कि वॉमिटिंग, हाइपोटेंशन, एरिथमियाज उनने लिखे हुए कि सिवियर एडवर्स इफेक्ट्स उनके हो सकते हैं जो कि हैं हमारे मिथाइल ज़ैंथिन ग्रुप, अदरवाइज और उससे ज़्यादा नहीं। उसका जो क्लिनिकल या मैकेनिज्म एक्शन है ना, वो आता होता है अक्सर औकात आता है उसमें आपके क्वेश्चन में। अच्छा, अगला जो ग्रुप है हमारा वो है मस्कुलिनिक एंटागोनिस्ट, जो हम अस्थमा में दे सकते हैं। अब याद है हमने अभी अभी पढ़ा पिछली वीडियो में कि जो बीटा टू एगोनिस्ट है वो क्या करते हैं, वो हम देते हैं अस्थमा में बिकॉज वो करते हैं ब्रोंकोडायलेशन। तो जाहिर है अगर बीटा एगोनिस्ट ब्रोंको डायलेशन करी तो कोई चीज़ ऐसी भी है जो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कर रही है, जो ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स की वॉल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देती है, और वो हमारे होते हैं बेसिकली आपके जो मस्करेनिक एंटेगोनिस्ट्स है। क्योंकि आपकी ब्रोंकाई पे यानी आपके स्मूथ मसल्स पे दो तरह के रिसेप्टर्स हैं, एक आपके रिसेप्टर्स हैं जो मस्करेनिक एक्टिविटी है और एक आपके बीटा टू रिसेप्टर्स होते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो मस्करेनिक रिसेप्टर्स जो होंगे वो डेफिनेटली उसको करवाते हैं कंस्ट्रिक्शन पूरी स्मूथ मसल में, चाहे जीआईटी की बात करूँ चाहे रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करूँ, ठीक है। तो जो मस्करेनिक रिसेप्टर्स हैं वो कंस्ट्रिक्शन कराते हैं, जो बीटा टू रिसेप्टर्स हैं वो करवाते हैं आपकी डायलेशन, ठीक है। ये तो आपने बात पढ़ी हुई है ना, मस्करेनिक और निकोटिनिक एक ग्रुप होता है आपके रिसेप्टर्स के, वजह से पैरासिम्पथेटिक इन नेचर, और ये बीटा टू जो है ये सिम्पैथोमिमेटिक नेचर में होते हैं। तो जो पैरासिम्पथेटिक रिसेप्टर्स हैं हमारे यहाँ वो मस्करेनिक हैं, और वो भी हमने पढ़े थे, और ये यहाँ पर कराते हैं कंस्ट्रक्शन। हमने मस्करेनिक और पैरासिम्पथेटिक के बारे में पढ़ा था कि मोस्टली जगह पर ये आपकी रिलैक्सेशन करा रहे थे क्योंकि ये आपके रिलैक्स्ड मोड ऑफ एक्टिविटी के साथ एसोसिएटेड है। लेकिन रिलैक्स जब हम होंगे तो हमारा स्मूथ मसल यानी जीआईटी नॉर्मल वर्क करने लग जाता है, और जिस तरह खाना हजम होना वैसा हो रहा होता है, इस वजह से वो आपके कॉन्स्ट्रिक्शन के जो इफेक्ट है वो मस्करेनिक रिसेप्टर्स की वजह से हो रहा है। तो आप अगर एंटी मस्करेनिक एजेंट दें तो डेफिनेटली कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगी और डायलेशन होगी, तो उसकी वजह से भी अस्थमा रिलीव हो सकता है, ठीक है। क्योंकि मस्करेनिक रिसेप्टर्स कॉन्स्ट्रिक्शन करें तो हम एंटी मस्करेनिक एजेंट्स या मस्करेनिक एंटेगनिस्ट दे सकते हैं, और डेफिनेटली वो उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो सिंपल है कि वहाँ रिसेप्टर्स पड़े हुए हैं, रिसेप्टर पे जाके एक्ट करेंगे और वहाँ पर ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कराएंगे, ठीक है जी। अब जो यहाँ पर हमारे पास इसमें इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि बीटा टू एगोनिस्ट फिर भी ज़्यादा अच्छा एक्शन रखते हैं यानी ब्रोंको डायलेशन करवाने का, क्योंकि दोनों का काम तो एक ही जैसा लग रहा है ना हमें, कि ये भी अपने रिसेप्टर पर जाएगा, ये डायरेक्ट डायलेशन करेगा, ये जाके इनहिबिट करेंगे उधर रिसेप्टर पे एक्शन को और डायलेशन कराएंगे जो मस्करेनिक एंटागोनिस्ट है, ठीक है। तो उन दोनों को अगर हम कंपेयर करके देखें तो तब भी बीटा टू एगोनिस्ट का एक्शन जल्दी हो जाता है, इसका एक्शन थोड़ा देर से होता है। इसलिए एक्यूट ब्रोंकोस्पैज्म में हमेशा फर्स्ट चॉइस हमेशा बीटा टू एगोनिस्ट होती है, सेकंड चॉइस हम मस्करेनिक एजेंट दे सकते हैं। लेकिन जो सीओपीडी के पेशेंट्स है ना, ये देखा गया ट्रायल्स में कि सीओपीडी के पेशेंट्स में जब ब्रोंकोस्पैज्म होता है, ठीक है, सीओपीडी वो वाले पेशेंट्स जिनमें ऑलरेडी लंग में कोई परमानेंट डिफॉर्मिटी है, उसमें मस्करेनिक एंटागोनिस्ट बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो उनमें ये आपका एमसीक्यू आता होता है, वो बता देते हैं आपको, डायरेक्टली पूछ रहे थे कि सीओपीडी के पेशेंट है एक्यूट ब्रोंकोस्पैज्म के साथ आए, बताएं कौन सी ड्रग देंगे। तो एक्यूट ब्रोंकोस्पैज्म सीओपीडी में आप हमेशा एट्रोपीन या कोई भी ऐसी ड्रग चूज करेंगे विच इज मस्करेनिक एंटेगोनिस्ट। नाम जहन में रखने आपने इनके, इप्राट्रोपियम, ट्रायट्रोपियम, एक्लिडिनियम पहले भी पढ़े थे, इसलिए भी मैंने डिटेल नहीं बताई जब हमने एएनएस पढ़ा था, मैंने आपको पढ़ाया था, और अभी फिर बता देती हूँ। अच्छा जी, अगली तो अगला ग्रुप है हमारे पास स्टीरॉइड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है, इसको आपने जरा देख लेना, समझ लेना। अच्छा, स्टीरॉइड्स आपको पता है कि हमारे पास एस्थमा में दो प्रोसीजर्स हैं, एक एस्थमा में हो रही होती है आपकी स्पैज्म जो ब्रोंकाई में हो जाता है। क्यों होता है? जब आपके पेशेंट्स किसी भी एलर्जन से उनका एकदम से रिसीव करते हैं उसको, तो पता है उनकी वॉल्स ऑफ एल्वोलाई में जो स्मूथ मसल है उनमें रिएक्शन होता है, वो ऐसे सुकड़ जाती है, स्पैज्म हो जाता है, ठीक है, एकदम से। एक तो ये चीज़ होती है, और दूसरा साथ जो इन्फ्लेमेशन चल रही है वो एस्थमा के पेशेंट्स में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है, आईजीई मीडिएटेड, क्योंकि मुसलसल उनके अंदर एलर्जन से वास्ता है और मुसलसल चल रहे एलर्जन का एक्सपोजर खत्म हो जाए, अस्थमा के पेशेंट्स की वॉल ऑफ एल्वोलाई और आईजीए एंटीबॉडी मीडिएटेड जो एक्शन है मुसलसल चलता ही रहता है, ठीक है। अच्छा, ये जो आईजीई मीडिएटेड मतलब ये है कि जब एलर्जन से एक्सपोजर नहीं होगा तब भी उनकी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के असर रहते ही रहते हैं। और अब ऐसा तो नहीं होता कि डस्ट एलर्जी है सपोज किसी बंदे को, तो डेफिनेटली डस्ट कहीं ना कहीं तो एनवायरनमेंट में होगी, वो बिल्कुल क्लीन स्वीप एनवायरनमेंट में तो नहीं रह सकता, तो उसको एस्थमा का अटैक आ ही जाता है और ये आपकी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन रहती है। तो एक तो हम जो एक्यूट स्पैज्म ऑफ द ब्रोंकियोल्स को रिलीव करने के लिए देते हैं वो तो हमने पढ़ ली कि एक बीटा टू एगोनिस्ट है, और दूसरे हमारे मस्करेनिक एंटागोनिस्ट हैं जो एक्यूट स्पैज्म को रिलीव करते हैं, ठीक है।
और इसी तरह हमारे पास जो मिथाइल ज़ैंथिन हमने पढ़े हैं वो है दोनों सिचुएशंस में ही काम आ जाते हैं, वो एक्यूट को भी थोड़ा बहुत रिलीव कर देते हैं और वो थोड़ा बहुत आपके उसको भी इन्फ्लेमेशन को भी देख लेते हैं। लेकिन जो स्टीरॉइड्स है ना, ये हम टिपिकली देते हैं आपकी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को रिलीव करने के लिए, क्योंकि ये दोनों काम हमने खत्म करने होते हैं। हमने ब्रोंकाई का स्पैज्म भी दूर करना है और हमने ये जो इन्फ्लेमेशन ब्रोंकियोज के अंदर हुई हुई हमने इसको भी खत्म करना है, ताकि रास्ता थोड़ा खुले, रास्ता बहुत तंग हो चुका होता है। अच्छा, अब आपको याद है हमने ना पता नहीं यस बायोकेमिस्ट्री में मुझे याद है ये चीज़ हमने पढ़ी थी। ये क्या चीज़ है? ये पाथवे ऑफ सिंथेसिस जो है ना आपका, प्रोस्टाग्लैंडिंस, प्रोस्टासाइक्लिंस, ल्यूकोट्राइन्स वगैरह का पाथवे ऑफ सिंथेसिस है। उसमें फॉस्फोलिपिड्स इस्तेमाल होते हैं, ये मैं बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैंने लिखा है। फॉस्फोलिपिड्स इस्तेमाल होते हैं, एक एंजाइम एक्ट करते हैं फॉस्फोलाइपेज A2 और एरेकिडोनिक एसिड बन जाता है। एरेकिडोनिक एसिड से आगे दो पाथवेज होते हैं, एक ल्यूकोट्राइन सिंथेसिस की तरफ जाता है जिसको हम लाइपोक्सीजिनेज पाथवे कहते हैं, और एक आपका प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टासाइक्लिन और थ्रोम्बोक्सेन सिंथेसिस की तरफ जाता है जिसको हम साइक्लोऑक्सीजिनेज पाथवे कहते हैं। ठीक है, ये पुरानी बातें सारी। ये जो आपके ल्यूकोट्राइन्स हैं, इनके LTC4D4E4 आपने पहले भी पढ़े होंगे, ये इनका हमारे पास जो इस वक्त हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात है कि मेन एक्शन इनका ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर्स होते हैं, तो एक तो हमने इनको किसी तरह से इनहिबिट करना है, और दूसरे ये जो COX-2 से बन रहे हैं ना प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सिन एंड प्रोस्टासाइक्लिन, वैसे तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन डायलेशन करवाते हैं लेकिन ये इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा करते हैं। मतलब आपका जो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन वहां पर चल रहा है ना, एडिमा हो रहा है और जो सब कुछ चल रहा है, उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन का बहुत ज्यादा रोल है। बिकॉज ऑफ दिस हम इनमें से किसी भी पाथवे को रोक देंगे या दोनों को रोक देंगे तो हमारे लिए बहुत फायदा होगा एस्थमा के पेशेंट में, ना तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होगी और ना ही इन्फ्लेमेशन होगी इनकी वजह से। और स्टीरॉइड्स यही करते हैं, स्टीरॉइड्स आपके फॉस्फोलाइपेज A2 को इनहिबिट करते हैं। ठीक है, पहली बात ये इंजाइम नहीं होगा तो फॉस्फोलिपिड्स इसमें कन्वर्ट ही नहीं हो सकते, कन्वर्ट ही नहीं होंगे तो आगे का कोई पाथवे नहीं होता। ठीक है, तो पहला एक काम स्टीरॉइड्स यहाँ पर आके इनहिबिशन करते हैं इस जगह पे, और दूसरा स्टीरॉइड्स जो है वो हमारे इस COX-2 और COX-1, ये दो इंजाइम्स होते हैं ना हमारे, साइक्लोऑक्सीजिनेज इंजाइम्स होते हैं, तो कॉक्स इंजाइम को भी इनहिबिट करते हैं। जब ये दोनों चीज़ें इनहिबिट हो जाएंगी तो डेफिनेट सी बात है कि ये पाथवे, एक तो आपका होल ओवरऑल ही पाथवे भी डिस्टर्ब होगा और ये वाला पाथवे तो स्पेसिफिकली डिस्टर्ब होगा, और ये पाथवे स्पेसिफिकली आपकी इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड है। मैंने आपसे कहा कि ये चीज़ें इन्फ्लेमेशन करवाती है, तो इसकी वजह से हमारे पास एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट बहुत अच्छा आता है। आपके पास एक क्वेश्चन आता है स्टीरॉइड में से, हमेशा याद रखना आपने कि आपके ओरल या फिर जो इनहेल्ड स्टीरॉइड्स का नाम लिखने का, वो आपसे कहते हैं तो आपके बुक में लिखे हुए हैं ब्यूटिसोनाइड है, फ्लूटिकासोन, वो मेटासोन है, बेक्लोमेथासोन है, वो आपने याद कर लेने पांच, वो आपका सवाल आता होता है, सॉलिड नंबर होते हैं, सिर्फ नाम लिखने होते हैं आपने इनहेल्ड स्टीरॉइड्स के। जो स्टीरॉइड्स है ना उसमें असल में हमारे पास शॉर्ट टर्म थेरेपी के लिए इनहेल्ड स्टीरॉइड्स होते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए हमारे पास ओरल या आईवी फॉर्म में प्रेडनिसोलोन होता है। ये दोनों नाम आपने याद रखने हैं, इनहेल्ड वालों के पांच के नाम याद रख लेने हैं और ओरल या आईवी जो देने के लिए हमारे पास होते हैं वो प्रेडनिसोलोन होता है या कॉर्टिसोल होता है, ये दो होते हैं। तो आपने याद रखना है कि हमारी किस किस थेरेपी के लिए कौन से जा रहे हैं। अच्छा, पहले पहले समझ आता था कि सिर्फ सवेयर आपका बहुत सवेयर एस्थमा होगा या फिर स्टेटस एस्थमेटिकस होगा। स्टेटस एस्थमेटिकस की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा आती है, अगर एक बंदे को इतना सवेयर एस्थमा है कि वो तीन लफ्ज भी इकट्ठे मुसलसल ना बोल सके तो उसको स्टेटस एस्थमेटिकस कहते हैं, आसान तरीन लफ्जों में। ठीक है, सपोज मुझे कहते हैं, मुझे किसी ने कहा है कि गिव मी वाटर। ठीक है, ये तीन आपके वर्ड्स है ना, गिव मी वाटर, जिसको स्टेटस एस्थमेटिकस होता है वो गिव मी वाटर नहीं एक साथ बोल सकता, वो गिव और मी बोलेगा तो उसका सांस उखड़ जाएगा, तो इसको हम स्टेटस एस्थमेटिकस कहते हैं, बहुत सवेर एस्थमा होता है। तो पहले समझा जाता था कि सिर्फ उस केस में आप स्टीरॉइड देंगे, लेकिन अब ये जो आपके इनहेल्ड स्टीरॉइड्स है ना, जो बुक में पाँच छः लिखे हुए मैंने नाम बोले हैं, ये हम बहुत सवेयर भी नहीं, मॉडरेट एस्थमा में भी देते हैं, मॉडरेट टू सवेयर में, ताकि आपकी इन्फ्लेमेशन शुरू में ही एस्थमा के पेशेंट्स में कम होने लग जाए और जो बाद में इन्फ्लेमेशन की वजह से आपके इफेक्ट्स आने लगते थे, बहुत बुरे इफेक्ट हो जाते थे, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से उनकी ब्रोंकियोज में फाइब्रोसिस हो जाता था, वो प्रिवेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है। अच्छा, हमारे पास मैकेनिज्म तो मैंने आपको इनका बता दिए, यूजेज में इनके आपने याद रखना है कि आपका अगर मॉडरेट टू सवेयर एस्थमा है और वो बीटा टू एगोनिस्ट को पर रिस्पॉन्स नहीं देता तो आप इनहेल्ड स्टीरॉइड्स देंगे पेशेंट को, जो मैंने नाम लिए, लेकिन वही बात है कि इनहेल्ड स्टीरॉइड हर रोज़ कभी भी नहीं लेने होते, अल्टरनेट डे थेरेपी पे लेने हैं और कोशिश ही करना है कि थोड़े अरसे के बाद बीटा टू एगोनिस्ट पे ही पेशेंट शिफ्ट हो जाए। लाइक कोशिश करनी होती है कि स्टीरॉइड ना हो, लेकिन दिया जा सकता है, इनहेल वाले किसी हद तक सेफ है।
जो आपके ये वाले हैं ना, ये आपने देने होते हैं जो ओरल है, वो सवेर एस्थमा में देना है प्रेडनिसोलोन, और अगर स्टेटस एस्थमेटिक ऐसे तो आईवी देना होता है आपने प्रेडनिसोलोन या कॉर्टिसोल, और वो पेशेंट की कंडीशन को थोड़ा बहुत फिर काफ़ी बेहतर कर देते हैं। साइड इफेक्ट्स इनके इनहेल्ड वालों के तो इतने नहीं आते, थोड़े बहुत ही आते हैं एड्रीनल सप्रेशन वो बहुत हो तो, लेकिन जो ओरल या आईवी हैं तो उनके तो आपको पता है कि साइड इफेक्ट्स होते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के, और वो हम बाद में पढ़ लेंगे जब हम स्टीरॉइड वाला चैप्टर पढ़ेंगे एंडो में। लेकिन ये है कि कोशिश होती है कि आप पेशेंट को स्टीरॉइड की हद तक ना आने दें, लेकिन इनहेल्ड स्टीरॉइड्स ऐसे में ज़रूर देने जब आपको पता है कि एस्थमा मॉडरेट टू सवेयर है, ताकि इन्फ्लेमेशन के बाद वाले इफेक्ट्स ना आए। ठीक है, अच्छा, फिर हमारे पास अगला जो ग्रुप है वो है लिकोट्राइन एंटागोनिस्ट्स। ये इसी तरह एक्ट करते हैं, इसमें दो हमारे पास ग्रुप्स हैं, एक तो है लिकोट्राइन रिसेप्टर ब्लॉकर, जो करता है ये है कि इन लिकोट्राइन्स को जाके जब इन्हें अपने रिसेप्टर पे एक्ट करना होता है ना, ये लिकोट्राइन्स होते हैं LTC4, D4 and E4, जहाँ पर इन्होंने अपने रिसेप्टर पे एक्ट करना है ब्रोंकियोज में और कर देना है ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, उस जगह पर इनहिबिशन कर देते हैं, और एज ए रिजल्ट एक्ट नहीं कर सकते, एक्ट नहीं कर सकते तो डेफिनेटली ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन नहीं होती। और दूसरे होते हैं लाइपोक्सीजिनेज इनहिबिटर, जो इस एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। जब ये एंजाइम नहीं होगा तो डेफिनेटली बात है कि लाइपोक्सीजिनेज एंजाइम होने की वजह से ये पाथवे ही नहीं होगा, लिकोट्राइन्स बनेंगे नहीं तो कंस्ट्रक्शन कोई नहीं कर पाएगा। तो ये दोनों इस तरफ फर्क पड़ते हैं, इनका बहुत ज़्यादा आता होता है आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये जो मैंने आपको बता दी, आप ये डायग्राम ड्रॉ करें और यहीं पर एक्सप्लेन कर दें तो सबसे अच्छी बात है, जो मैंने ड्रॉ की हुई है, ये सॉरी टेबल था, डायग्राम तो नहीं है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमारे पास ना इनका पूछते हैं कि यूज़ क्या है, तो ये दोनों कभी भी आपके एक्यूट एपिसोड्स ऑफ एस्थमा में नहीं इस्तेमाल होते, ये सिर्फ और सिर्फ आपने प्रिवेंटिव थेरेपी में देने हैं, प्रिवेंटिव याद रखना है। अगर कोई पेशेंट एक्सरसाइज करने लगा है, एस्थमा का पेशेंट है, तो जाहिर सी बात है कि उसको एस्थमा हो सकता है, तो आप उससे कहें आप अपनी एक्सरसाइज से पहले ये ले लें, बाद में एक्सरसाइज शुरू करें, लेकिन अगर एक्सरसाइज करते करते एस्थमा का अटैक हो गया तो ये कभी भी नहीं लेना, क्योंकि दे आर नॉट इफेक्टिव रेडिली। ठीक हो गया, ओके, तो आपने ये बात जहन में रखनी है कि हमारे पास ये चाहे लिकोट्राइन रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं या लाइपोक्सीजिनेज इनहिबिटर्स हैं, दोनों का एक तो आपने ये ऐसे करके ना एक पाथवे सा बना देना, ताकि देखने वाले को सेकंड में समझ आ जाए कि एक यहाँ पर इनहिबिशन कर रहा है और एक रिसेप्टर लेवल पे इनहिबिशन कर रहा है। दोनों में बात वही कि लिकोट्राइन्स नहीं बनेंगे, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, लेकिन दे कैन ओनली प्रिवेंट द एस्थमा इन अ बेटर वे, ये आपके बाद में यही अच्छे इफेक्ट नहीं करते, फॉरन इनका असर नहीं होता, इसलिए कभी भी आपने इनको एक्यूट एस्थमेटिक अटैक में नहीं देना, प्रिवेंट कर देंगे। क्या प्रिवेंट करते हैं, एक तो एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एस्थमा, इसके अलावा आपका जो एस्पिरिन इंड्यूस्ड एस्थमा है, एस्पिरिन की वजह से कैसे एस्थमा हो सकता है, एनएसएड्स जब आप पढ़ेंगे, आप डिटेल में पढ़ेंगे, एस्पिरिन इज अ ड्रग जो इनहिबिट करती है इस कॉक्स को, साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम को। ठीक है, जब साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम इनहिबिट होता है ना, तो फॉस्फोलिपिड से एरेकिडोनिक एसिड तो बन जाता है, लेकिन एरेकिडोनिक एसिड से ये वाला पाथवे स्टॉप हो जाता है। ठीक है, ये पाथवे नहीं कैरी ऑन हो सकता, क्योंकि ये एंजाइम अब नहीं है एस्पिरिन की वजह से। अब क्या होता है, बॉडी ये देखती है कि भाई ये पाथवे नहीं हो रहा, तो वो पागलों की तरह ये वाला पाथवे बहुत ज़्यादा कर देती है, तो लाइपोक्सीजिनेज एंजाइम की वजह से लिकोट्राइन्स बहुत ज़्यादा बनने लग जाते हैं। ठीक है, एस्पिरिन की वजह से कुछ पेशेंट्स में ऐसा होता है, सब में ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ पेशेंट्स में एस्पिरिन एलर्जी हो जाती है और उनकी बॉडी में एलर्जी मीडिएटेड लाइक एकदम से हर तरफ बॉडी में कंस्ट्रिक्शन और एलर्जी के इन्फ्लेमेशन के इफेक्ट्स आने लग जाते हैं, और वो इस वजह से होता है कि जब एस्पिरिन उन्होंने ली तो उनका ये पाथवे तो इनहिबिट हो गया, लेकिन ये पाथवे ओवर एक्सप्रेस हो गया, उसकी वजह से उनको बहुत एलर्जिक सिम्टम्स आते हैं। तो एस्पिरिन इंड्यूस्ड एलर्जी भी प्रिवेंट करने के लिए हम ये लिकोट्राइन एंटागोनिस्ट देते हैं, जिनका हमें पता होता है कि यार इन लोगों को एस्पिरिन देना बहुत जरूरी है और इनमें एस्पिरिन एलर्जिक रिएक्शन कर सकती है, उनको एस्पिरिन देने से पहले ये वाली ड्रग्स देंगे। ये पूछते हैं आपसे, ठीक है, एमसीक्यू वाइवा में, क्रोमोलिन निडोक्रोमिल आपकी दो नई ड्रग्स हैं जिनके साइड इफेक्ट्स बहुत कम हैं, या आप सिर्फ ज़्यादातर उसी तरह देते हैं, अगर आपने मतलब लोकल इनका इफेक्ट है, अगर आपने एस्थमा के लिए देनी है तो आप इनहेल फॉर्म में देंगे, और फूड एलर्जी को भी प्रिवेंट करती है तब आप ओरल फॉर्म में देंगे GIT पे असर देने के लिए। और इनका एक्शन जो मैकेनिज्म का है वो कुछ यही देखा गया है कि ये जो मीडिएटर्स का रिलीज है ना, लिकोट्राइन्स का है और हिस्टामिन वगैरह जितने भी आपके इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं उनका रिलीज ये कम करवा देती हैं, और दूसरा ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन को प्रिवेंट करती हैं, लेकिन इनका कोई अभी बहुत इस्टेब्लिश नहीं है कि कैसे करती हैं, लेकिन ये दोनों का ये एक्शन है। आपसे MCQs में बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि न्यू ड्रग्स फॉर एस्थमा कौन सी है, तो क्रोमोलिन उसमें उनने, बल्कि क्रोमोलिन भी नहीं, डायसोडियम क्रोमोग्लाइकेट इसका पूरा नाम है वो लिखा होता है, तो आपने वो कर देना है। और इसका मैकेनिज्म याद रखना है कि ये दो तरह से काम करता है, जो बुक में लिखा हुआ इसमें कोई ऐसी इंपॉर्टेंट और बात नहीं है, सिर्फ इसमें याद रखने वाली बात है क्योंकि MCQ में आता है। और एक हमारे पास यस एंटीबॉडी जो IgE एंटीबॉडी है ना, बेसिकली सारा का सारा सिलसिला कहाँ से शुरू हो रहा है, ये मास्क सेल था और यहाँ अटैच होगी थी IgE एंटीबॉडी, एलर्जन आया, एलर्जन के लिए IgE एंटीबॉडी तैयार बैठी हुई थी,
वो एलर्जी के साथ लगी और एस्थमा का सारे सिलसिला और इन्फ्लेमेशन और सब कुछ शुरू हो गया, जो मैंने शुरू में बात की थी आपकी पहली वीडियो में। तो बेसिकली अगर हम क्या करें कि हम इस IgE एंटीबॉडी को इनहिबिट कर दें तो ये सारा सिलसिला शुरू ही नहीं हो सकता। और उसके लिए ओमेलिजुमैब एक हमारे पास अब ड्रग बनाई गई है, लेकिन डेफिनेटली ऐसी ड्रग्स हम कम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये बाकी सिस्टम्स ऑफ बॉडी को भी इफेक्ट करती हैं। यहाँ पर बात खत्म होती है बेटा, किसी को कोई मसला हो ये कि नासमिन। थैंक यू।